हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब भंडार पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NHM ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भर्ती निकली है पोस्ट है ग्रुप सी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर ड्राइवर, जूनियर क्लर्क, स्टाफ नर्स एंड अदर्स पोस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पर 2725 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिनके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम फोर्थ क्लास या टेंथ क्लास या डिग्री का होना जरूरी है। दोस्तों अगर आप भी फोर्थ क्लास पास या टेंथ पास या डिग्री धारक हो और इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों अब मैं आपको NHM ग्रुप सी भर्ती 2021 की कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र के अंतर्गत निकली है। यहाँ पर पोस्ट है ग्रुप सी, जिसके अंतर्गत पोस्ट है स्टाफ नर्स, एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑफिसर, स्टोर गार्ड, ड्राइवर, जूनियर क्लर्क एंड अदर्स, जिनके लिए यहाँ पर 2725 वैकेंसी निकली है। और अप्लाई करने के लिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम एज 45 साल रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 18 से 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में फोर्थ क्लास का होना जरूरी है, टेंथ पास का होना जरूरी है, ITI या डिग्री का होना जरूरी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को ₹600 एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जमा कराने होंगे, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को ₹400 एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जमा कराने होंगे, EX सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना है, ये कैंडिडेट बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जमा हो सकती है ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा। सिलेक्शन की अगर बात की जाए, सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। सैलरी आपको मिलने वाली है ऑर्गेनाइजेशन रोल के हिसाब से। जॉब लोकेशन है महाराष्ट्र, बट ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 6/8/2021, लास्ट डेट है 20/8/2021। जी हाँ दोस्तों, 6/8/2021 से 20/8/2021 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है arogya.maharashtra.gov.in। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।